प्रार्थना इस तरीके में होनी चाहिए जैसे एक दुखिया आहें भर भर कर अपने मालिक से दुख और सुख कहता है और उसकी दया और कृपा के लिए मुल्तजी होता है। जब ईश्वर का नाम लेने पर आपके आंसू प्रेम से डबडबाने लगे, तब आप ये समझिए कि आप ब्रह्म विद्या सीखने के काबिल हुए।